कहते हैं जब जब धरती पर बुराई अपना सिर उठाती है, दुनिया में अत्याचारी ताकतें बढ़ती है, तब कहीं अच्छाई का भी जन्म होता है और तब बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, असत्य पर सत्य की विजय होती है। और यही है भारत की शान, उसका राष्ट्रीय चिन्ह, जिसमें भी लिखा है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है। क्या कारण है कि यह बात आज विश्व के माहौल में बिल्कुल फिट बैठती है? दुनिया में जहां नजर घुमाइए, समस्याओं की बारात सी नजर आ रही है, जैसे आकाश में कोई धूमकेतु अपनी लंबी समस्या रूपी दुम से धरती को डरा रहा हो। श्रीलंका का आर्थिक संकट हो या रूस यूक्रेन युद्ध और इस युद्ध से उठा दुनिया के लिए गहरा अनाज संकट, अफगान संकट हो या साउथ चाइना समस्या, लद्दाख का टकराव हो या ताइवान के अंदर घुसपैठ, कोरोना संकट की वजह से कभी आदमी घर के अंदर और कभी बाहर, और इस चक्कर में नौकरी से बाहर, कंपनियों में से रोजगार बाहर, रिश्ते नाते सभी के सभी इसकी भेंट चढ़ गए हैं। समस्याएं अनगिनत मगर वजह एक, कौन है वो धूमकेतु जो सारी समस्याओं की जड़ में बैठा है? यह चंडाल चीन। इन सभी समस्याओं की जड़ में बैठा है चाइना। 90 के शुरुआती दशक से ही चीन की महत्वाकांक्षाएं परवान चढ़ने लगी थी। वो पूरी दुनिया में एक सुपर पावर देश बनना चाह रहा था। दुनिया भर में उस समय के थिंक टैंक भविष्य में उसकी बढ़ती हुई आर्थिक और सैन्य शक्ति का आकलन कर रहे थे और कह रहे थे कि 21वीं सदी एशिया की होगी, यानी चीन की होगी। मगर ये दुनिया भर के थिंक टैंक एक और नाम ले रहे थे और कह रहे थे कि यही दो देश होंगे जो 21वीं सदी में अपनी पावर से दुनिया की दिशा निर्धारित करेंगे, और ये दूसरा नाम चीन को पसंद नहीं आ रहा। ये दूसरा नाम ही था जो चीन को अपने रास्ते का रोड़ा लग रहा था, और ये दूसरा नाम था भारत। चीन को ये अच्छी तरह से पता था कि भारत ही आने वाले वर्षों में उसका कंपटीटर हो सकता है, उसके रास्तों को रोक सकता है। इसलिए उसने 90 के दशक से ही भारत को चारों ओर से घेरना शुरू कर दिया। उस वक्त भारत के रक्षा मंत्री रहे जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था कि हमारा असली शत्रु पाकिस्तान नहीं, चीन है। चाहे उस वक्त इस बात से हर कोई सहमत ना हो, मगर आज ये बात हर कोई मानता है। श्रीलंका की आज जो भी हालत है, उसका भी चीन ने उसी वक्त श्रीलंका में बोया था, सिर्फ भारत को घेरने के लिए। श्रीलंका को एक ऐसा लालच दिया, एक ऐसा लोन जिसे वो कभी पूरा नहीं कर सकता था, और ये चीन को मालूम था। बस उसने एक ऐसे एग्रीमेंट पर में श्रीलंका से साइन करवा लिए कि उसे अपने एक पोर्ट से हाथ धोना पड़ा। चीन ने पाकिस्तान से भी यही खेल खेला। सीपेक के नाम पर पे पाकिस्तान को भी बहुत कुछ खोना पड़ रहा है। म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, सभी जगह यही दाव चीन खेल रहा है ताकि भारत को पूरी तरीके से घेरा जा सके। मगर श्रीलंका का हाल देखने के बाद अब उसकी दाल भारत के पड़ोस में गल नहीं पा रही है। जिस भगवान गौतम बुद्ध की नगरी में चीन अपनी नजरें गड़ाए बैठा था, आज उसी देश से भारत ने चीन के बिछाए हुए जाल को काट दिया है। चीन के राजदूत के इशारे पर पिछले नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली ने भारत के खिलाफ कई जहरीले बयान दिए थे, मगर अब नेपाल की नई सरकार से भारत के संबंध पहले की तरह मधुर हो चुके हैं। लुम्बिनी के पास भैरवा में बनाए गए चीनी एयरपोर्ट का इस्तेमाल ना करके प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वो नेपाल को चीन के जाल में फंसने नहीं देगा। बांग्लादेश, म्यांमार या श्रीलंका हो, भारत हर तरफ से चीन के बिछाए जाल से इन देशों को निकालने की कोशिश कर रहा है। इस समय की हर वैश्विक समस्याओं की जड़ में चीन ही बैठा है। चीन की महत्वाकांक्षाओं ने आज पूरे विश्व में जगह जगह संकट खड़े कर दिया। इसीलिए पूरी दुनिया दौड़ दौड़ कर भारत की तरफ आ रही है, चाहे वो कोई छोटा देश हो या पश्चिम का बड़ा देश। हर कोई जानता है चीन का इलाज सिर्फ भारत के पास है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था, जब कभी दुनिया में बुराई अपना सिर उठाती है, कहीं ना कहीं अच्छाई भी हरकत में आ ही जाती है।